Hi everyone, hope you're doing well. Last week हमने VWAP plus pivots plus moving average की strategy by मुकुल चौधरी from Wise Stock Research का backtesting video अपने channel पे post किया था. बहुत सारे आप लोग के positive feedbacks आए हैं उस videos में. ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये सब videos देखकर effort ले रहे हैं और problem भी एक दूसरे का solve कर रहे हो. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना. सो इन दिस वीडियो वी विल सी एन अनदर स्ट्रेटजी. क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू स्वप्नाजी शर्मा हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 120K सब्सक्राइबर्स. आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे. हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 7K होने वाले हैं. तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कर दो यार. So today's video is part of our famous YouTuber free strategy series where we test strategies provided by your favorite YouTubers and backtest those strategies and calculate the real win rate. So today's video is going to be a backtest video of another famous strategy called hidden diversion strategy provided by Swapnaji Sharma. Screen pe aap video dekh sakte ho. ये स्ट्रेटजी में उन्होंने हिडन डिविजन्स को मूविंग एवरेज और RSI के साथ कैसे ट्रेड करना है ऐसा समझाया है. अब ये डिविजन्स वाला कंसेप्ट मैं ये वीडियो में कवर नहीं करूंगा. आई बिलीव आपको उसके लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब में. और अगर आपको नहीं भी पता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेटजी के रूल्स में कहीं स्पेसिफिकली आपको हिडन डिविजन स्पॉट नहीं करना. हमने इनका ऑलरेडी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने चैनल पे टेस्ट किया है. आपको ये वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. आप वो वीडियो ये वीडियो के बाद जरूर देख सकते हो. रिजल्ट उसका बहुत अच्छा था. देखते हैं ये वाली कैसे काम करती है. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस स्ट्रेटजी इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर बोथ बाय एंड सेल कंडीशन. तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहां हम हिडन डिविजन प्रोवाइडेड बाय स्वप्नाजी शर्मा को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे इन 4 स्टॉक्स में और चेक करेंगे कि इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है. सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और टाइम फ्रेम को 30 मिनट्स कर देंगे. अभी इसके बाद हम 4 EMAs ऐड करेंगे. अब पूछोगे प्रणीत ट्रेडिंग व्यू में 4 इंडिकेटर फ्री वाले अकाउंट में मैं कैसे डालूं. डोंट वरी, मैं हूं ना. ये एक इंडिकेटर बनाया है मैंने आपके लिए मल्टी ईएमए करके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उसे आप चार्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. अब इसके सेटिंग्स में जाके आप सीधा ईएमए के लेंथ को 13, 20, 50 और 100 करना है. फिफ्थ वाले को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो. उन्होंने वीडियो में सिर्फ 4 ही इंडिकेटर यूज़ किया है. स्टाइल में जाके EMA 5 को अनटिक कर देंगे और ओके दबा देंगे. अभी इसके बाद नेक्स्ट हम RSI को ऐड करेंगे चार्ट में. सिंपली ऊपर इंडिकेटर में जाके RSI सर्च करना और ऐड कर देना. अब सेटिंग्स में RSI का लेंथ 3 कर देंगे और स्टाइल में जाके RSI अपर बैंड और RSI लोअर बैंड इनको छोड़ के बाकी सब अनटिक कर देंगे. अब RSI अपर बैंड को चेंज करके 77 कर देंगे और RSI लोअर बैंड को चेंज करके 23 कर देंगे और ओके कर देंगे. दैट्स द सेटअप. चलिए अब रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं. सबसे पहला रूल, EMA 13 शुड बी ग्रेटर देन EMA 20 विच शुड बी ग्रेटर देन EMA 50 विच शुड बी ग्रेटर देन EMA 100. ये 13 EMA है वो 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, 20 EMA 50 के ऊपर होना चाहिए और 50 100 के ऊपर होना चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन, RSI शुड बी बिलो 23. वीडियो में उन्होंने पहले बोला था कि जैसे ही RSI 20 के नीचे आना चाहिए, फिर बोला कि आपको ये चीज़ 20 के नियर होगा तभी भी चलेगा. बट वो कितना नियर होगा वो तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट. तो हम नियर को 23 बोलेंगे, इसलिए रूल्स में हमने 20 के जगह पर 23 डाला है. अब जैसे ही ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है, वी विल वेट फॉर अ बुलिश कैंडल. कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चलेगा तभी ही हम एंट्री लेंगे. जैसे ही आपका ऊपर का दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, आपका ग्रीन कैंडल मैक्स टू मैक्स 2-3 कैंडल में फॉर्म हो जाना चाहिए तो और आपको एंट्री ले लेना है. अगर 2-3 कैंडल में फॉर्म नहीं होता है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे. एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ द बुलिश कैंडल. स्टॉप लॉस वुड बी एट द लो ऑफ द कैंडल एंड टारगेट 2 times द रिस्क. अभी इसमें उन्होंने एक और चीज़ बोला है कि ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेंड के स्टार्ट में ही यूज़ करना है. अगर स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर आया है तो उसे अवॉइड करना है. दूसरी चीज़, अगर कैंडल 50 EMA के नीचे है तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना. अगर कैंडल ने 50 EMA ब्रेक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड रिवर्स हो सकता है. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ सब कंडीशन सेटिस्फाइड है. यहाँ EMA 13 EMA 20 के ऊपर है, EMA 20 50 के ऊपर और 50 100 के ऊपर है और RSI भी जस्ट यहाँ पर 23 के नीचे गया है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया है. तो हम इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे. स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रखेंगे और टारगेट 2 times द रिस्क एंड दैट्स अ विन. चलिए अब सेल के भी रूल्स देखते हैं. सबसे पहला रूल,
एग्जैक्ट उसका उल्टा, EMA 13 शुड बी लेस देन EMA 20 विच शुड बी लेस देन EMA 50 विच शुड बी लेस देन EMA 100। सो बेसिकली सबसे ऊपर EMA 100 होना चाहिए, उसके नीचे EMA 50 होना चाहिए, उसके नीचे EMA 20 होना चाहिए और उसके नीचे EMA 13। उसके बाद RSI शुड बी अबव 77। वीडियो में उन्होंने पहले बोला था कि आपको RSI 80 के ऊपर जाना चाहिए, फिर बोला 80 के नियर भी रहेगा तो चलेगा, बट नियर कितना है उसे हम डिफाइन एज 77 करेंगे, इसलिए रूल्स में हमने 77 किया। अब जैसे ही आपका सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन वी विल वेट फॉर अ बेरिश कैंडल। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चलेगा, तभी ही एंट्री लेंगे। ये बेरिश कैंडल जैसे ही ऊपर के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होता है, उसके 2-3 कैंडल के अंदर ही हो जाना चाहिए और आपको एंट्री लेना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इस एंट्री को इग्नोर करना है। एंट्री वुड बी एट द लो ऑफ द बेरिश कैंडल, स्टॉप लॉस विल बी हाई ऑफ द कैंडल एंड टारगेट 2 times द रेस्ट। अब इसमें भी सेम आपको ये सब ट्रेंड के स्टार्ट में करना है, और अगर स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया है तो आपको इसे अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, अगर कैंडल 50 EMA के ऊपर चला गया है तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर 50 ब्रेक किया तो हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो और वो पॉजिटिव साइड जाए। इसके भी चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, EMA 100 ऊपर है, उसके नीचे 50 है, उसके नीचे 20 है और उसके नीचे 13 है। इधर RSI भी जस्ट 77 के ऊपर गया है, सो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, तो हम इसके लो के नीचे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे रखेंगे और टारगेट 2 times द रिस्क एंड दैट्स अ विन। चलिए, आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है। आप उनका वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है। तो इस स्ट्रैटेजी को टोटल 100 times टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई विल लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 54 वॉज विन एंड 46 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 54%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 84.7%, मैक्स ड्रॉडाउन इज -4.8%, कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 5 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज ऑल्सो 5। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 12.82 months। जैसे आप देख सकते हो, द रिजल्ट आर एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। 87.7% गेन एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज जस्ट -4.88%। सो आप देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। कूडोज टू स्वप्ना जी शर्मा फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी। यू कैन चेक अ चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज, जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रैटेजी को आपको खुद को टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसा है। सो आई एड द स्ट्रैटेजी इन अ गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द 3rd पोजिशन इन द लिस्ट। You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like this video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video. अगर आप हमको support करना चाहते हो तो UPI ID आपके screen पे होगा, और अगर आपको ये वाला back testing sheet चाहिए तो हमने इसे already हमारे channel पे share किया है। आपको ये वाला video का suggestion आ रहा होगा या फिर link description में डाल दूंगा। ये video को ज़रूर checkout करना, आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए, और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।